नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पिछले 28 मई से क्षत्रिय भवन में कोरोना योद्धा तथा जिला प्रशासन के सहयोग से चल रहे कैंप में आज लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक वी के दुबे ने फीता काट कर किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा दोनों टीके लगवा लिए गए हैं। उन्हें टीका लगवाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तक जिन लोगों ने किसी कारण से टीका नहीं लगवाया तो वो लगवाए, ऐसे सभी लोगों से उन्होंने अपील की है। सभी लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। मुख्य अतिथि DIOS श्री दुबे एवं जिला टीकाकरण प्रभारी राजेश अग्निहोत्री का कोरोना योद्धा टीम की विनी शर्मा, HV सूरी, ज्योति गुप्ता ने बूके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष आचार्य शिव चरण सिंह, कोरोना योद्धा टीम के अशोक सिंह, लालू नवल किशोर, पंकज सिंह, विद्यार्थी परिषद के प्रखर सिंह, विवेक पांडे, स्वास्थ्य विभाग से बबीता देवी, आरती रूबी देवी, संयोष यादव आदि मौजूद रहे। कोरोना योद्धा ये ऐसी संस्था है जो इस महामारी के दौर में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। 25 अप्रैल से इन्होंने इस संस्था ने जगह जगह पे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ पर आप लोगों ने ऑक्सीजन का भी सब व्यवस्था कराया और लोगों की जान बचाई। इसके बाद आप लोगों ने 28 मई से लगातार जो है टीकाकरण का कार्य करवा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही पुण्य का काम है। इस संस्था को मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। श्री अशोक सिंह जी, श्री अग्निहोत्री जी, भाजपा के उपाध्यक्ष जनपद के, आप सब लोगों ने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। ये पूरी टीम जो है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। मैं पूरी टीम की प्रशंसा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से पुण्य का कार्य लगातार आप लोग करते रहें और दुनिया में लोगों की जान बचाना ये सबसे बड़ा कार्य है और ये एक ईश्वरीय कार्य है। मैं चाहूँगा कि पूरी टीम को मैं पुनः सुभाषित हूँ और शुभकामना दूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे जिले को आप लोग स्वस्थ बनाए रखें और इस महामारी पर विजय हासिल करें। धन्यवाद जी। सर, देखा जा रहा है कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं टीकाकरण के लेके, तो कुछ जनपद वासियों को आप अपने स्तर से देखिए टीकाकरण के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं ये गलत हैं। इस तरह का सबको टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है। हमने खुद अपना दोनों टीकाकरण करवा लिया जो है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सब लोग आए और कोई भी ना बचे टीका लगवाने से। मैं सभी से अपील करता हूं कि ये सब कोई अगर कोई इस तरह की अफवाह करता है या भ्रांति फैलाता है तो ये गलत है और यह जान बचाने के लिए इस तरह का जो है टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और किसी भी के बहकावे में या किसी भ्रांति में ना आवे। अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीना है तो आपको टीका लगवाना अनिवार्य है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि सब लोग, कोई भी ना बचे, सबको टीकाकरण जो 18 साल से ऊपर के हैं और 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को आ करके जो है टीकाकरण का जहाँ जहाँ शिविर लगा जनपद में सब लोग लगवाएं और इन भ्रांतियों से जो है हमेशा दूर रहें और लोगों को भी मोटिवेट करें कि सब लोग टीका लगवाएं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।